गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ। सो गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं एक आज फिर एक नई रेसिपी दे रही हूँ। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं कुछ देर के बाद। सो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं बकरे की सिरी, और कुछ लोग उसको मुंडी बोलते हैं और हम लोग उसको सिरी बोलते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे की सिरी और मैं आज उसकी आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। ये देखिए गाइस, ये करीब 2 किलो, डेढ़ 2 किलो तो होगी, क्योंकि ना वो जिस बकरे की हम लोग सिरी बना रहे हैं उस बकरे की मुंडी बहुत बड़ी थी ना गुड़िया। अच्छा, गुड़िया अच्छे से सूट करेगी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुड़िया अच्छे से, हाँ मैं दिखा दूँ, ये देखो इधर से गुड़िया कम से कम 2 किलो तक होगी ना, देखो ना। लेकिन गाइस, गुड़िया इसका सीरा भी नहीं खाती है ना गुड़िया, नहीं खाती। हाँ, गुड़िया के लिए हमने आलू बैंगन की सब्जी बना दी है और एक अंडा फ्राई कर दिया है, और इसमें इतनी प्याज हमने ली है, ज़्यादा बड़ी गांठ भी नहीं है और छोटी भी नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्याज है, अभी मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ। और ये टमाटर है, हरी मिर्ची, नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, बस अभी इतना ही दिखा रही हूँ। और जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी, क्योंकि मैं भी मतलब साल में एक ही बार हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या है ना, बाद में मैंने ये ब्लॉग डाला था, मैंने शूट कर लिया था। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, देखते हाँ, हैं। ये मत बोलना कि अभी तक खा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं ना कि हाँ, अभी तक खा रहे हो। तो मैंने ये डाला नहीं था, मतलब शूट कर लिया था, मतलब डाला नहीं था। और ये बकरीदी की सीरी है, मतलब बकरीद के दिन की ही सीरी है, लेकिन हमने सूट बहुत पहले कर लिया था। ठीक है, चम्मच उठाई थी ना, अभी उठाई ना, चलो ठीक। सो गाइस देखिए, मैं इसको रख रही हूँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि इसमें एक सीटी मतलब देना जरूरी है ना। तो ये गुड़िया खाती है ना, बाहू खाता है, लेकिन मेरे मम्मी डैडी बड़े शौक से खाते हैं ना गुड़िया। पता है गुड़िया तेरे को, तू तो बहुत छोटी थी, तुझे याद नहीं होगा जब अम्मा जी का हर साल बकरीद में कुर्बानी होती थी, उनका कभी भी नांगा नहीं हुआ अम्मा जी का। तो पता है डैडी पाया और सिरी सबसे पहले वो मतलब उसी को भुंजा के और बनवा के खाते थे। और हाँ गाइस, ये तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैंने इसको बहुत अच्छे से पहले मेरे डैडी इसको भुना लाए थे और कटा के लाए थे, उसके बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से वॉश किया है पानी से, आप लोग को बताना भूल गई थी। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको साफ करके धोया है, और भुंजने के बाद ये और भी अच्छी टेस्टी बनती है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें तेज पत्ता। शिट यार, क्या हो गया, तेरे को अभी करना था। अरे ये ग्लास में कॉकरोच निकला है। बारी गुड़िया, तेरे चक्कर से मेरा सिरी से दिमाग खट गया। अब इसको ये फेंकना पड़ेगा, इतना सारा निकाल ली थी। बाप रे, क्या हुआ गाइस। 2 गांठ प्याज काट ली है, ज्यादा मतलब बारीक नहीं है, मोटी मोटी है। और ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, और अब इसमें हम डाल रहे हैं ये हरी मिर्ची। तो हम इसमें बीच से काट रहे हैं, कोई कोई इसको पेस्ट बना लेता है, बट उसमें क्या ज्यादा तीखा हो जाएगा गोश्त, मतलब मैं इसको गोश्त ही बोलेंगे क्यों गुड़िया, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि गुड़िया का मूड सही नहीं है। गुड़िया ने इतना सारा क्या निकाल लिया, ये ग्लूकोज, गुड़िया का बीपी लो हो रहा था। लो नहीं हो रहा था, मेरे को अच्छा लगता है पीने में। और नमक, हाँ
नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि उसमें भी डालना है हमें नमक बाद में, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। क्या कर रही हो, पूरा तो दिमाग खराब कर लेगी। अभी तेरे को पीना था, थोड़ी देर के बाद पी लेती, जब मन करे तब पी लेना चाहिए। तो पहले सूट कर लेना। गैस कुकर मेरा खराब हो गया है, दूसरा मंगा, दूसरा निकालो, नया रखे। अभी नहीं निकालूंगी। और अब हम इसे गलाएंगे, एक से या दो सीटी, मतलब दो सीटी में ये गल जाएगी अच्छे से। और जब तक हम लोग बना रहे हैं इसका मसाला। क्या हुआ बेटा, गुड़िया आखिर तुझे इसी वक्त वो पानी पीना है, तेरा बीपी इतना लो नहीं है। नहीं पी रही हूँ, वो उस पे टच हो गया था। वही तो बोल रही हूँ कि तुझे अभी करना, इसी वक्त करना है ना। देख रही कि मैं खाना बना रही हूँ। सो गाइज, इसको दो सीटी तक हम इसका वेट करते हैं, और जब तक हम इसका मसाला बनाते हैं तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, मिलते हैं कुछ देर के बाद। हमने गैस को कर दिया था ऑफ करीब 5 मिनट पहले, और इसकी देखिए पूरी ये भी निकल चुकी है सीटी, और देखते हैं। देखो गरम बहुत है, देखिए गैस ये गल चुकी है और भाप पूरी आ चुकी है फोन में। अल्लाह गुड़िया अपना मुंह दबाइए, मुंह क्यों दबाइए, पहले देख तो ले गली की नहीं गली, क्योंकि ना इसका मूड खराब है, जो चीज ये खाती नहीं है ना तो ऐसे ही परेशान करती है हम लोगों को। ये आज तो तुझे जबरदस्ती खिला दूं बेटा। ये इतनी चिकनी रहती है ना, गल गई है, बहुत गर्म है गैस, गल भी चुकी है। और इसका ट्रांसफर करते हैं हम इधर, और बहुत एक सेकेंड, मम्मी इतना चिपचिपा रही है ना, इतना ज्यादा क्यों बता नहीं सकती हूँ। नहीं मम्मी एक सेकेंड, मेन क्या है ना, सिरी में बहुत क्या बोलते चिकनाहट ऑयल बहुत होता है, तेल डालने की जरूरत नहीं है, तेल डालने की जरूरत नहीं है। और आज हम बड़ी कढ़ाई का यूज कर रहे हैं क्योंकि सिरी ज्यादा है। गुड़िया एक बार खाओ तो खाती चली जाओ, मुंह दाब रही हो। कैसा मुंह दाब रही है मम्मी, गुड़िया सुधर ले, अभी टाइम है, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें तेल है, और बस थोड़ा सा तेल डालेंगे। और ये कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता है, जावित्री है, लौंग है, और ये दालचीनी है, सब बड़ी इलायची है, सब है इसमें। और अब तेल होने दो। और गैस ये मैंने कुछ दो तीन छोटी छोटी सी जो गांठ थी ना उसको काट के रख ली है। अरे अब ये सलाद के काम आ जाएगी, इसको इसमें नहीं डालना। मैं क्या सोच रही थी कि मैं ना इसको सिरी को थोड़ा फ्राई करूंगी तो उसमें प्याज डालूंगी, बट मैं फ्राई नहीं कर रही, अब डायरेक्ट मसाला है इसका भून रही हूँ, तो अब इस प्याज का कोई काम नहीं है। आप लोग देखिए पूरी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए ना पूरी फ्राई हो चुकी है, और देखो हमने इसमें तेल बिल्कुल नहीं डाला था, और इसका तेल देखिए आप लोग। तो अब हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, इसीलिए प्याज अब हमारे सलाद के काम आ जाएगी।
और हम डालना है इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, और ये डाली हमने पिसी प्याज। कितनी अच्छी तो खुशबू आ रही है। और गाइस ये है 3 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर आधा स्पून मतलब चम्मच, और ये है जीरा पाउडर, और इनको हम सबको इसमें डालना है। पीसे मसाले हैं, ज़्यादा कोई ख़ास मसाले नहीं डालते हैं, एकदम नॉर्मल मसाले में बनती है, जिस तरह से बकरे का गोश्त बनता है मटन, इसी तरह से ये भी बनती है, बस इसका नाम है कि श्री। थोड़ा और पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। बहुत इसकी भाषा लगती है। और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, क्योंकि गैस जो सिरी होती है ना उसमें थोड़ा सी महक टाइप की होती है, इसीलिए अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें थोड़ा हम ज़्यादा डालते हैं, ताकि उसकी जो महक है वो थोड़ी कम हो जाए। वैसे भुनने के बाद तो वो वैसे ही सौंधी हो जाती है, लेकिन फिर भी। और गैस ये टमाटर जब आपने देखे थे 5 टमाटर अच्छे बड़े बड़े थे, ये मैंने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और इसमें टमाटर भी डालूंगी। टमाटर के बिना तो हमारी हर रेसिपी अधूरी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें नींबू, गाइस इसलिए इसको इस तरह से घिसते हैं ताकि एकदम मुलायम हो जाता है और इसका रस आसानी से निकल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये मुलायम होगा और आसानी से निकलेगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना हर जगह नींबू के बीज डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बताइएगा कि नींबू के बीज हर जगह डालने से क्या होता है। गाइस मुझे तो पता नहीं है, मुझे पता क्या होता है, क्या होता है, घर गंदा होता है, क्या होता है। हर जगह नहीं डालना चाहिए। नहीं, किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आप नींबू के बीजों को कहीं भी डाल देती हैं, तो मैंने कहा कि मतलब मैं यही सोच रही थी कि छोटे छोटे से तो होते हैं बीज, तो आप कहीं भी डाल दो। खैर आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, आपको अच्छे से पता होगा, शायद इसके बारे में मुझे नहीं पता था। और अभी मेन तो हमने नमक डाला नहीं है, कहीं हम भूल ना जाएं। गैस ये थोड़ा क्या है ना, रस तो इसमें बराबर था बट निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग टमाटर को पीस के भी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर पीस के नहीं डालती, क्योंकि मेरे को जो छोटा छोटा टमाटर रहता है ना जो सब्जी में आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कभी पीस के बहुत कम ही रेसिपी में डालती हूँ। और हमने उसमें भी नमक डाला था, तो बस टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं डालेंगे।
और बाप रे मेरे वाइट दुपट्टे में दाग लग गया। गाइस अब इसको हम कवर कर देते हैं और ये तो छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं। और आप लोगों से मिलते हैं 10 मिनट के बाद, जब तक हमारा मसाला हो रहा है रेडी। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और देखिए ये देखिए और ये देखिए, मैं आपसे बात करने में इतनी मस्त हो गई कि मैंने देखा ही नहीं कि उसका छींटा आ रहा है। कोई बात नहीं, बने रहिए आप लोग हमारे साथ जब तक हम इसको करते हैं वॉश। देखिए गाइस मेरा मसाला हो गया रेडी, तेल सेपरेट हो गया है और मसाला भी, तो ये भुन चुका है। हम इसमें डालना है ये जो सीढ़ी थी, कितना ये तेल छोड़ती है, बहुत चिकनी होती है सीढ़ी। देखिए गाइस कैसे तेल छोड़ रहा है। अब इसको दही को 5 मिनट तक भूनेंगे। एक तो इसमें ना छोटी छोटी काली मिर्च है, इलायची है, गरम मसाला डालेगा तो गरम मसाला नहीं दिखेगा उसमें। हाँ वही तो मैं निकाल रही हूँ, तू बोल रही है जो, जैसे भी तेज पत्ता है इसको भी अलग करो। अब इनका अभी थोड़ी सी इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी ताकि खुशबू अच्छी आए। और अब इसको और अब हम इस साइड क्या करते हैं, इस साइड हम गैस बंद हो गई, गैस ऑफ हो गई। देखिए गैस ये भुन चुकी है और तेल भी छोड़ दिया, ज़्यादा लाल नहीं है क्या, होगी वो बाद में आता है, बाद में ना मसाला। और बहुत गर्म है और हमने क्या किया है, पानी गर्म करके इसमें डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुकी है, तो ज़्यादा देर इसको हम नहीं बनाएंगे, पकाएंगे। और एक सेकेंड पानी देख के डालेंगे ना, मम्मी से पूछ के डालना पड़ेगा, मम्मी पानी ज्यादा नहीं डालूंगी मैं, देख लो आकर। क्यों देखो ना सिरी तो बूंजी बूंजी बनती है ना। हाँ, पानी नहीं करना, पानी नहीं करना ना ज्यादा, देखो और थोड़ा सा करूं। नहीं तो बस पकेगी ना, नहीं ज्यादा नहीं पकेगी। हाँ, तो बस एक उबाल आएगा। हाँ, तो पानी कर दे, थोड़ा सा और कर देते हैं, थोड़ा सा और कर दे क्योंकि एक उबाल तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि वैसे पानी करते नहीं है बेटा इसमें, ऐसे भुंजी भुंजी रहती है ये, तो बस ये बस एक उबाल आ जाएगा। अब इसमें हम डालते हैं गरम मसाला 1 चम्मच। कैसी बनी खुशबू, कैसी आ रही है मम्मी? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है ना। क्या हुआ, देख उसको देख मम्मी, मम्मी उसको देख मम्मी, ये हमारे का 8वां अजूबा है गुड़िया, 7 अजूबों के बारे में सुनी थी बट ये 8वां अजूबा है। और अब इसको, कर... इसको बताते ना, लेकिन वो नहीं नहीं खाती नहीं, मटन नहीं खाती ना, तो अब इसको हम इसकी गैस को करते हैं ऑफ। और अब ये धनिया पत्ती है, उबाल तो आ ही गया है ना, बस थोड़ा क्योंकि गर्म पानी ही डाला है ना, तो अब इसमें कुछ नहीं करते हैं। और अब धनिया पत्ती काटते हैं। मम्मी ये तो छोटा पड़ गया, बड़ी ढाको ढाको तो इसमें, बड़ा ढक्कन नहीं हमारे यहाँ काहे के सबके सामने ऐसे बोल रही है गुड़िया। नहीं है तो नहीं है भाई, इसमें बोलने वाली क्या बात है। मम्मी वो जो बड़ी प्लेट है ना फाइबर वाली, ये आ जाएंगी, देखो धो के जरा दे दो मेरे को, ये आ जाएगी। फाइबर की प्लेट नहीं ढकते, 2 मिनट को ढांक देते हैं ना, दाग पड़ जाते हैं। देखो ना कोई बड़ी प्लेट इसमें से, हाँ ये वाली देखो, ये वाली आ जाएगी, इसको ढकना, इसके ढक्कन नहीं है क्या? नहीं इसका ढक्कन नहीं लाना है इसको। अरे उसमें जो नए वाले बर्तन है ना,
हाँ। उसमें ढक्कन नहीं है सबके नहीं। लेकिन ये कढ़ाई क्या ज्यादा बड़ी है ना। और अब ये धनिया पत्ती हमने काट के रख दी है, 2 मिनट के बाद अब मम्मी को हम बनाते हैं रोटी, क्योंकि ये है मम्मी का फेवरेट। और मम्मी फिर खा के आप लोगों को गैस बताएंगी कि कैसी बनी है। और हाँ नहीं, बस सच है मम्मी, सिरी पाया खाना चाहिए, बहुत ज्यादा इनमें वो होती है नहीं, चिकनाहट मतलब जिसको बोलते हैं ना। और जो पैरों का ये जो घुटने होते हैं ना, तो इनके जो जोड़ जोड़ होते हैं बॉडी में, उसके लिए बहुत फायदेमंद है, मतलब बहुत चिकनाहट होती है। तो मैं अब साल में नहीं, इसको ये ना सीरी जो होती है ना, इसको महीने में एक बार जरूर, एक बार नहीं, ये आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है गाइस, जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि उनके घुटने बहुत दर्द होते हैं, चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका घुटनों का चिकनापन खत्म हो जाता है जैसे जैसे एज होती है। तो मतलब ये सीरियस कर रही हूँ, आप लोग हंसिएगा मत कि ऐसे बोल रही है, सच में मम्मी ये सीरियस है। मेरी वजह से घुटनों में दर्द होने लगा। तुम्हारे ही नहीं, सबके जितने मतलब इस एज के लोग हैं 50 के बाद, तो उनको पाया और सिरी बहुत बहुत फायदा करता है। इसलिए गाइस आप लोग के घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको आप सिरी बना के जरूर महीने और 15 दिन में एक बार जरूर दीजिएगा। हम तो अभी तक अपनी मम्मी को नहीं देते थे, लेकिन अब हमारी मम्मी के घुटनों में दर्द स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम बनाया करेंगे। वैसे तो हम बकरीद की बकरीद बनाते थे ना मम्मी, ऐसा बनाइए बेटा। नहीं बकरीद की बकरीद क्योंकि सिरी कई बार नीचे बनाते, ऐसे नहीं लोग ना अभी तक नहीं बनाते थे, क्योंकि ना मैं खाती हूँ, ना बाबू खाता है, ना गुड़िया खाती है, सिर्फ मम्मी और डैडी बहुत शौक से खाते हैं। तो अब हम सिरी और पाए लोग को बहुत पसंद है, तो अब हम लोग हर 15 दिन में, तो 15 दिन नहीं तो एक महीने में जरूर बना। सो गाइस अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कैसी बनी, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमारी सिरी बन के हो गई रेडी, और अब मम्मी खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। आपने भी प्लेट ला। नहीं मम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा है अभी, थोड़ी देर बाद खा लूंगा, खा के बताना थोड़ा सा। देखो ना खा के, ये छोड़ देना मैं खा लूंगी। कैसी बनी? अरे अच्छे से खा तो लो, पानी भी नहीं लाके रखा। हाँ तो खा के बता, और देखो गली है कि नहीं गली, चिकनी बहुत होती है ना मम्मी, इसी वजह से ना समझ मतलब वो ऐसे गल गई, बिल्कुल गल गई ना, देखो गल गई। जब तक सिरी एकदम पूरी तरह से नहीं गलती ना, तो टेस्ट नहीं मिलता है खाने का। सो गाइस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मैं तो नहीं खा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं बनाते बनाते एकदम दिल भर गया है मेरा। तो मम्मी अब बताओ कैसी है, इधर देख, इधर देख, मतलब बहुत अच्छी बनी है, और मतलब टेस्ट बहुत अच्छी। सो गाइस अब हम लोग खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। खाना बनाने की बहुत अच्छा बनाती है, शुक्रिया। और जब तक वो लोग ना छोटी बेटी की तबीयत सही नहीं, छोटी बेटी क्योंकि इसको देख के उसकी तबीयत खराब हो गई। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, बने रहिए आप हमारे साथ। और पानी लेके आती हूँ मैं मम्मी के लिए। सो गाइस हम लोगों ने खाना भी खा लिया है, और बकरे की सिरी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बस मैं अपने वीडियो यहाँ से एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए आप लोग मेरे साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।